नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा के बारे में, जो इस समय अपनी चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि ऋद्धिमान साहा की जगह इंग्लैंड दौरे पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को मौका मिला है। हालांकि यह बात अलग है कि भारतीय टीम वहां पर टेस्ट सीरीज 4-1 से हार गई है। दोस्तों शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ऋद्धिमान साहा के नाम क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। जी हाँ दोस्तों, साहा ने घरेलू सीरीज के दौरान मात्र 20 गेंदों में शतक जड़ दिया था। ऋद्धिमान साहा ने इस पारी के दौरान लगातार 9 लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए थे। वैसे ऋद्धिमान साहा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन धोनी की मौजूदगी के कारण उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऋद्धिमान साहा को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपके मुताबिक कौन सा खिलाड़ी ऋद्धिमान साहा के 20 गेंदों में शतक का लगाने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।